अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। इस उम्र में तुम्हारी ये सोच, ये ख्याल, I'm really impressed. अब मैं उनके लिए एक ब्रेल टीचर अरेंज कर रहा हूँ। Why? To help her, and then she will consider me her true well-wisher. लेकिन अकेले मैं क्या-क्या करूँ? कुछ घंटे as a coordinator अगर additional काम कर लोगे तो it'll be very nice. मुझे इस हॉस्पिटल में जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर बेटा, तुम तो जॉब ढूंढ रहे थे ना, इंडिया में काम करना चाहते थे, फिर मेरे हॉस्पिटल में काम क्यों नहीं करना चाहते? मैम, अगर मैं आपसे नहीं मिला होता तो शायद इस जॉब को कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन अब नहीं। अब मैं सिर्फ आपके लिए और आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अगर यहाँ वहाँ के काम में अपना दिमाग लगाऊंगा तो फिर हु विल टेक केयर ऑफ यू? नो मैम, आई कांट टेक दैट रिस्क। जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा मनी आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। अभिमन्यु सर ने बहुत ट्रस्ट करके मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एंड दैट्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू मी मैम। यश बेटा, तुम तो मेरा पूरा ख्याल रख रहे हो, मेरी आंख बनकर, मेरा दाहिना हाथ बनकर, और फिर मैं तो ज्यादातर कैबिन में ही रहती हूँ ना बेटा। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो ही बुलाऊंगी। प्लीज यश, कैन आई रिक्वेस्ट कि कुछ दिनों के लिए इसे मेरे हॉस्पिटल का काम संभाल लो प्लीज। सिया का फोन है। थैंक्स। हाँ सिया। अरे, आपको कैसे पता चला मेरा फोन है? जैसे घर में मेरी सिया बेटी मेरी आंखें बनकर मेरी हेल्प करती है, वैसे हॉस्पिटल में यश बेटा है ना, मेरी आंखें ना होने का एहसास ही नहीं होने देता। अच्छा गौरव, ओके मामा, आई विल कॉल यू बैक। गौरव, गौरव, कब से आवाज दे रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो? Why? तुमने जो स्क्रिप्ट में चेंजेस करने को बोले थे वो मैंने कर दिए। सी, मैंने तुम्हें कब चेंजेस बताए? तो और किसे बताया, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? एनीवेज, जस्ट सी द स्क्रिप्ट। आस्था, तुम हर बात मुझसे डिस्कस करोगी तो अपना दिमाग कब लगाओगी? तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं ना। एनीवेज, आई डिडंट लाइक योर आइडिया वेरी मच। किसी और की स्टोरी का एडेप्टेशन? बट व्हाई? आस्था, क्योंकि तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया, तुमने किसी और का प्ले उठाया और उसकी अडेप्टेशन कर डाली। हमारे देश में ज़्यादातर फिल्म मेकर्स का दिमाग खाली हो चुका है। वो या तो हॉलीवुड फिल्म की नकल करते हैं या फिर पुरानी फिल्म उठाते हैं उसका रीमेक करते हैं, कुछ और नहीं बन पड़ता तो लिटरेचर की वाट लगा डालते हैं। हम जैसे नए फिल्म मेकर्स, अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर फिल्म मेकर बनने का फायदा क्या? You're right. मैं अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखूंगी, चाहे वो जैसी भी हो, but it will be my film. Anyway, it's just a 10-minute film. वैसे कल तो तुम्हारी शूट है ना, so I'll have time to work on my script. But don't be late. I don't want any delays on the shoot. Yeah. Okay. डॉक्टर सिमरन, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। कौन है? बैठिए। यह मिस रजनी, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाती हैं। मैं ब्रेल नहीं सीख सकती साक्षी, आई डोंट नीड द टीचर। मैं आपको ब्रेल पढ़ाने नहीं आई हूँ डॉक्टर सिमरन, मैं आपकी मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर हूँ। ब्रेल अगर आप चाहें तो बाद में हम आपको पढ़ना सिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसा कि मुझे साक्षी ने बताया, आपको इमीडिएट जरूरत है फिजिकली इंडिपेंडेंट होने की। आई एम लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। यू आर राइट, इट इज डिफिकल्ट, लेकिन हम आपको आपके अपने एनवायरनमेंट में जितना कंफर्टेबल फील करा सकें उतना कराने की कोशिश करते हैं। डे टू डे नॉर्मल रूटीन फंक्शंस के कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स, लाइक ये आपका कैबिन है, आपको दरवाजे से अपनी चेयर तक आने के लिए कितने स्टेप्स लेने पड़े काउंट करिए, किस डायरेक्शन में मुड़ना पड़ा ये फिक्स्ड होना चाहिए, मेजरमेंट, डायरेक्शन, टच एंड फील, इससे आप स्पेस को टैकल कर सकती हैं। नाउ यू आर टू रीलर्न एवरीथिंग विद दिस न्यू टिप्स। मेरा लास्ट डे इस हॉस्पिटल में, आई डोनेशन कैंपेन के लिए रुकी थी, किसने सोचा था
वापस लौटूंगी तो डॉक्टर सिमरन, ना तो आप खुद अफसोस कीजिए और ना ही किसी और को अपनी सिचुएशन पर हमदर्दी जताने दीजिए। वो आपकी सबसे बड़ी डिसेबिलिटी होगी। हाउ कैन आई मूव अराउंड इन माई कैबिन इंडिपेंडेंटली? गेट अप, गेट अप। अब लेफ्ट की तरफ टर्न करो और स्टेप्स काउंट करते हुए आगे बढ़िए। काउंट करते हुए आगे बढ़िए। 1, 2, 3, 4, वेरी गुड, 5, 6। नाउ सिमरन, तुम अपनी ट्रॉफी टेबल के पास पहुंच चुकी हो। नाउ टर्न, थोड़ा और। अब वापस स्टेप्स काउंट करते हुए अपनी चेयर की तरफ बढ़ो। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। देखा, पहुंच गई ना चेयर के पास वापस। अच्छा, ये व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? ये है मिस रजनी, ब्लाइंड स्कूल में इंस्ट्रक्टर है। हेलो। डॉक्टर सिमरन को सिखाने आई, हर रोज 1 घंटा। ओह, हे, लेकिन इस बारे में मैं भी सोच रहा था। मैं बहुत जल्द एक टीचर लाने वाला हूँ। आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट, यू नो। टीचर आ चुकी हैं। जब तक तुम्हारी रिसर्च पूरी होगी, डॉक्टर सिमरन की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। गो अप और चलो अब हम बाहर चलते हैं, इनको इनका काम करने देते। चलो। मैं डॉक्टर सिमरन के साथ रहूंगा। नो यश, यू कैन गो, मैं अपना काम करना सीख रही हूँ। ओके मैम। चलो अब खड़े क्या हो, चलो बाहर। ओके सिमरन, खड़े हो जाइए। अब राइट की तरफ टर्न लीजिए। राइट, हाँ। देन स्टेप्स काउंट करते हुए आगे बढ़िए। 4, वेरी गुड, 5। सॉरी, आई कांट डू दिस, मुझसे नहीं होगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आज पहला दिन है और अभी तो ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं आपके फैमिली मेंबर्स से मिलना चाहूंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी नीड देयर हेल्प एंड कोऑपरेशन। नहीं, थोड़ा और सॉफ्ट कर, सेंटर में डालो, सॉफ्ट कर। सब ठीक हो रहा है ना? हाँ, वैसे मुझे भी सब कुछ ठीक ही लग रहा है। अमर यार, तुम लाइट अप करने में बहुत टाइम लगा रहे हो। कोई ऑस्कर नहीं मिलने वाला हमें इसके लिए। मार्केट में जाएंगे ना तो सिर्फ डेली सोप्स डायरेक्ट करने को मिलेंगे। आस्था, लेट हिम टेक हिज टाइम ना, जाकर देखो आर्टिस्ट रेडी हुआ क्या। ओके। बाद में। हाय मामा, आप हॉस्पिटल पहुंच गई? आज घर कितने बजे पहुंच रही बेटा? क्या कहूँ मामा, आज गौरव बिन लेदिन का शूट है, सबको टेरराइज करके रखा है। He is such a perfectionist कि I doubted कि शूट टाइम पर खत्म होगा। नहीं बेटा, फिर तुम गौरव को अभी कह दो कि तुम्हें घर जल्दी जाना है। वैसे भी इस प्रोजेक्ट में यू आर ओनली असिस्टिंग हिम ना। बच्चा, मैंने डिनर के लिए और लोगों को भी बुलाया है, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, किस किस को बुलाया? वही यश, साक्षी, और कौन आएगा बेटा? वैसे मामा, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। बच्चा, तुम घर जल्दी आ जाओ प्लीज, तुम्हें नहीं लुक आफ्टर करना है उनका, तुम्हारी उम्र का है यश तो। आई नो मामा, बट आई हैव वर्क हियर। ठीक है, फिर मैं सिद्ध से भी कह देती हूँ थोड़ा देर से ही आए, वरना इवन ही विल गेट बोर्ड। सिद्धांत भी आ रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं जल्दी आ जाऊंगी। क्यों, अब काम नहीं है तुम्हें? मामा। आस्था, तुम्हें आर्टिस्ट को बुलाने के लिए कहा था ना? ओह हेल, मामा आई विल कॉल यू बैक। ओके बाय। गौरव, सेटअप वही लगा दूं? हां प्लीज। सॉरी, मेरा अर्जेंट फोन था। गौरव,
आज मुझे घर जल्दी जाना है. सम गेस्ट्स आर कमिंग फॉर डिनर. हाँ ठीक है. आर्टिस्ट को रेडी किया? जल्दी हरी अब लाइट जा रही. सो यू आर कमिंग फॉर डिनर राइट? यस थैंक यू मैम. गुड. अच्छा आज मैं घर थोड़ा जल्दी जाऊंगी. प्लीज साक्षी को इन्फॉर्म कर देना. एंड वन मोर थिंग यश, प्लीज इफ यू कैन उर्मिला से भी पूछ लो शी नीड्स एनी हेल्प. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज वो कोई बहाना बनाए कि सिमरन में थक गई थी इसलिए नहीं आ सकी, सिड को भेज दिया. आई नो कि तुम उनका ख्याल रखते हो बेटा, लेकिन आज अगर स्पेशली चेक कर लोगे तो उन्हें हॉस्पिटल में देर तक नहीं रुकना पड़ेगा. पर मैम मेरा आपके साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है. बेटा मेरे मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर ने आज ही मुझे थोड़ा बहुत काम करना सिखाया है. अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आई विल कॉल यू बेटा, डोंट वरी. ओके मैम. कब आएंगे वो लोग मिलने? कल. कल गुड. लेकिन ये साक्षी ने ठीक किया. गुड थिंकिंग, रादर प्रैक्टिकल थिंकिंग. मैं तो इमोशंस में बह के तुम्हें कुछ करने दे नहीं रहा था. जानते हो यश ने भी एक टीचर अरेंज किया था. मैं तो हैरान हो जाती हूँ, ही सो यंग और कैसे सोचता है वो. नहीं तुम्हारा जादू सब पे चल जाता है. ये यश और साक्षी दोनों को दोनों भक्त दिखते हैं तुम्हारे. बिल्कुल गुड, यू आर हैविंग अ गुड टाइम. तुम्हारे दोनों भक्त, तुम्हारे दोनों शागिर्द जो है तुम्हें इम्प्रेस करने में लगे हुए. गुड. क्या हुआ? नहीं मैं सोच रही थी कि मैं कुछ सीख भी पाऊंगी या नहीं. आई मीन अभी इस उम्र में तो बहुत मुश्किल लगता है. इस उम्र में? अरे अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है. हाँ अभी तो तुम्हें अपने नाती पोतों को बड़ा करना सीखना है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. मैं जब गोवा में था ना तो कभी कभी सोचता था कि उम्र निकल गई सारी की सारी और था क्या करने के लिए, कुछ भी नहीं. मतलब लिखता था, सो जाता था, फिर उठता था, फिर लिखता था. लगता था मैं क्या मिलूँगा किसी से. लेकिन अचानक जिंदगी जो है वो उस ढर्रे से निकलकर यहाँ पे आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में. डर लगता है, लगता है डर कि सबका सामना कैसे होगा, क्या होगा. मुझे डर था कि मैं रिश्ते कैसे दोबारा जोड़ पाऊंगा. लेकिन हो जाता है सब कुछ. तो मैं जब लौटना मैंने तय किया तो ये सोचकर तय किया कि अब पीछे नहीं हटूंगा किसी भी तरह से. जो जिम्मेदारियां हैं सो है, उनको पूरी तरह से निभाओ. तुम ये सोचो कि अगर मुझ जैसा आदमी ऐसा काम कर सकता है तो तुम तो फिर किसी दूसरी मिट्टी की बनी हो. अच्छा सुनो, डिनर के लिए अगर और कुछ करना है तो बता दो. मैं सिया आएगी ना, वो और शगुना मिलकर कर लेंगे सब. विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. और चलो बैक टू स्कूल. कट इट. अमर कैमरा वहां. गौरव अब बाकी के सीन्स हम कल कर लें. अगला सीन काफी लंबा है, टाइम लगेगा, पूरा हॉल लाइट अप करना पड़ेगा. तो आई मीन लेट्स डू इट टुमारो. आस्था कल मुझे मॉन्टाज शूट करना है, वो भी आउटडोर में. That'll take lot of time. We have to finish this in today itself, yeah? तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? Joyce is here. She'll help you. Continuity कौन देखेगा? This is so unprofessional, यार. Unprofessional? Me? Yeah. मेरी फिल्म की शूटिंग है और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो. Imagine करो तुम्हारी शूटिंग एक्सरसाइज में हम लोग सब ऐसे बिहेव करें तो. लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे जाना है. तब क्यों हाँ कहा था? Oh come on, आस्था, अब सपने मत देखो. मुझसे कब कहा तुमने? जब तुमने अपनी शूट शुरू की थी. How can you forget it? आस्था झूठ तो मत बोलो कम से कम. Listen here, Gaurav. अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा कि हमने बात की थी तो एटलीस्ट ये तो मत कहो कि मैं झूठ बोल रही हूँ. आइंदा तुमसे कुछ भी बात करूंगी ना तो उसे पेपर पे लिखवा के साइन ले लूंगी. ऑल राइट? कम ऑन यार, कैमरा तो बता दिया शिफ्ट करना है लेकिन एंगल क्या है? कम ऑन.
आज क्या बहाना बनाया उर्मिला ने? आई न्यू शी इज गोइंग टू डू दिस. वो थक गई थी इसीलिए. अच्छा. सचमुच बहुत अच्छा बनाया ढोकला. मुझे इंडियन खाना इतना पसंद है, यूएस में बहुत मिस करती थी मैं. शगुना मुझे रेसिपी बताओ ना प्लीज. हाँ बताती है ना मैं. वो कहा है ना एक कटोरी में ना वो यहाँ पे दो औरतें मिलती हैं वहाँ पर यही सब कुछ डिस्कस होता है. प्याज टमाटर मसाले. अरे डॉक्टर हो कहीं ऑपरेशन थिएटर में भी ऐसा ही तो नहीं होता. पेशेंट खुला हुआ है बच्चा वो निकालते हुए भी जो है चल रही होती है बातें. एक्सक्यूज मी. रोज सुबह शगुना के पास किचन में जाके कौन डिसाइड करता है कि आज क्या बनने वाला है? कौन डिसाइड करता है? फिर औरतों को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो तुम? हाँ वो देखो. अरे कुछ बोलो ना मेरे बचाव में. कैसा बचाव? ध्यान कहाँ है तुम्हारा भाई? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा. अरे इनका ध्यान तो कहीं और लगा हुआ होगा इस वक्त. फोन कर लो बेटा. अच्छा फोन करो वरना मैं तुम्हें डांट दूंगा. नहीं मैं करता हूँ. चलो फौरन जाओ. विल डू दिस एंड देन आफ्टर दैट. ओके स्विच ऑफ योर सेल फोन. इट्स इम्पोर्टेंट. हेलो सिद्धांत आई एम सॉरी आई एम स्टिल बिजी. अभी भी शूट चल रहा है. बट इट्स 9. मैं हॉस्पिटल से जल्दी सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ. यू नो हम कितने दिनों से नहीं मिले हैं. आई एम मिसिंग यू एंड एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू. आई नो सिद्धांत बट मैं क्या करूँ. आई हेट दिस गौरव. मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि आज मुझे जल्दी जाना है और उसका ध्यान ही नहीं है. आई गेस इट्स नॉट योर फॉल्ट. पर अब आ जाओ. कितना टाइम लगेगा? टाइम तो काफ़ी लगेगा लेकिन मुझे भी तुमसे मिलना है और यश और साक्षी से भी मिलना है. कितने दिनों बाद मामा खुश हैं. सबको डिनर पे इनवाइट किया है. इवन आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस गेट टुगेदर. मैं आ रही हूँ सिद्धांत. एंड डोंट वरी आई विल हैंडल दिस गौरव. ओके बाय. सॉरी गौरव बट आई हैव टू गो. अगर तुमने मुझे पहले ही मना कर दिया होता तो मैं घर पे सबको बता देती. बट राइट नाउ एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर मी एंड आई हैव टू गो. सो बिग डील. इट्स अ फैमिली डिनर यार. इतने बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हो और दुनियादारी नहीं जानते. फैमिली डिनर्स की क्या अहमियत होती है ये तुम नहीं समझोगे. इट्स एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन फॉर मी एंड आई हैव टू गो. जॉयस से मैंने पहले ही बात कर ली थी. शी विल बी हियर टू हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ द शूट. बाय गौरव. बाय जॉयस. Bye Amar. Bye everybody. This is too much yaar. Hello. Aa gayi. I'm so sorry Siddhant. Wo Gaurav itna khadoos hai na ki kya batau. Agla project mein uske sath bilkul nahi karne wali. Ladke aana pada. Did you have dinner? Are bhai humse bhi pooch lijiye. Hum log bhi to bhooke baithe hain. Aapka intezar kar rahe hain dinner ke liye. Sorry, I'm late. She's only bothered about Sid, so. Papa. Accepted this fact now. आप तो ऐसा मत बोलिए. सिद्धांत को लेकर मैं इसलिए guilty feel कर रही थी क्योंकि. क्योंकि वो तुम्हें मिलने आया यहाँ पर सिर्फ. We all know that, बेटा. We noticed it, huh? क्यों? Why are you ragging her? Stop pulling her leg. अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ. मुझसे ज़्यादा ख्याल तो ये सिड का रखती है. और नहीं तो क्या. मैं खड़े रहता हूँ यहाँ पे. कोई अटेंशन नहीं कुछ नहीं. देखती तक नहीं मेरी. पापा पापा प्लीज डोंट लाई. यू नो हाउ मच आई लव यू. आई नो यू डोंट लव मी. लायर. यू नो हाउ इम्पोर्टेंट यू आर टू मी. ये बात सिद्धांत को भी पता है दैट माय पापा इज द बेस्ट मैन. हाँ हाउ इज द डे. स्टॉप इट. बंद करिए बाप बेटी का नाटक.